ओम शांति। आज जब मैं वतन में गई तो बाप और दादा दोनों सामने खड़े थे और जाते ही नैनों की मुलाकात से सभी की जो याद प्यार ले गई थी वह दी। जैसे ही मैं याद दे रही थी तो साकार बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा। उस हाथ पकड़ने में ना मालूम क्या जादू था। ऐसे अनुभव हुआ जैसे सागर में कोई स्नान करता है। ऐसे थोड़े समय के लिए मैं प्रेम के सागर में लीन हो गई। उसके बाद हमने ऑलमाइटी बाबा की तरफ देखा तो बाबा ने कहा, बच्ची, बाप में मुख्य दो गुण जो है वह बच्चों ने साकार रूप में अनुभव किया है। वह दो गुण कौन से हैं? जितना ही ज्ञान स्वरूप उतना ही प्रेम स्वरूप। तो बच्चों को भी यह दो गुण अपने हर चलन में धारण करने हैं। फिर मैंने बाबा से पूछा कि पहले वतन में जो गए हुए बच्चों का इतना संगठन था, इसका रहस्य क्या था? बाबा ने कहा, पूरा राज तो बाद में चलकर सुनाएंगे, लेकिन साकार रूप से जो कोई सर्विस अर्थ या कुछ हिसाब किताब चुकतू करने अर्थ चले गए हैं, उन बच्चों से मुलाकात करने के लिए बुलाया था। बाबा उनसे हालचाल पूछ रहे थे कि कौन कौन, किस रीति से, किस रूप से, क्या क्या कर रहे हैं। हमने कहा, बाबा, यह किस रूप से स्थापना के कार्य में बिजी है? तो बाबा बोले, बच्ची, यह आगे चलकर स्पष्ट करेंगे, फिर भी शॉर्ट में सुनाते हैं। बाबा ने कहा, बच्ची, जब लड़ाई होती है तो किसी भी लश्कर को जब जीतना होता है तो सिर्फ एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से लश्कर भेजकर पूरा घेराव डाल देते हैं। इस संगठन से यह मालूम हुआ कि जो भी बच्चे गए हैं वह चारों ओर फैल गए हैं। अभी चारों तरफ स्थापना की नींव पड़ गई है, बाकी अब ऑर्डर देने की ज़रूरत है। फिर बाबा ने चार स्टेजेस की एक सीढ़ी दिखाई। पहली स्टेज दिखाई, ज्ञान सुनना, सोचना, समझना और निश्चय करना। कोई सोच करता है, कोई मंथन करता है। दूसरी स्टेज बताई कि अंत समय कैसे विनाश हो रहा है, कहाँ बाढ़ से डूब रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन शक्ति दल और पांडव बिल्कुल अडोल खड़े थे। तीसरी स्टेज दिखाई कि आत्माएं जैसे निकलकर परमधाम में गुब्बारे माफिक जा रही हैं। फिर परमधाम की सीन भी बाबा ने दिखाई। चौथी सीन स्वर्ग की दिखाई। स्वर्ग में आत्माएं कैसे छोटे छोटे बच्चों में प्रवेश हो रही हैं। तो यह सभी स्टेजेस सीढ़ी के चित्र के रूप में दिखाई। यह सीढ़ी दिखाने का रहस्य बताते हुए बाबा ने कहा, बच्चों की बुद्धि में यह घूमता रहे कि अब हमारी क्या स्टेज है। जो अंतिम स्टेज धारण करनी है
वह लक्ष्य पहले से ही बुद्धि में रखेंगे तो पुरुषार्थ तेज चलेगा। विनाश के समय की जो सीन दिखाई उसमें आप बच्चों की अडोल अवस्था रहे। फिर बाबा ने हमें ढेर हीरे हाथ में दिए और कहा, इन हीरों का टीका सभी बच्चों को लगाना। यह हीरे क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि हीरे मिसल आत्मा मस्तक में रहती है, तो हर एक आत्मा सच्चा हीरा बन चमकती रहे। ओम शांति।